200 से अधिक वर्ष गुलामी, अंग्रेजों का दमन, सभी लोग आजादी की लड़ाई में व्यस्त, स्वयं को अनुकूल है उन साधनों से जैसा बन पाए उस प्रकार। आजादी की लड़ाई चालू तो थी पूरे जोश में, किंतु दिशाविहीन, संकलित नहीं, संगठित नहीं और किसी का मार्गदर्शन भी नहीं। विश्व को अहिंसक आंदोलन की भेंट देने वाले गांधी ने देश में आकर एक ही दिशा में अपने देश को आजाद करने का कार्य किया। अहिंसक आंदोलन के प्रभाव को पूरी दुनिया जान चुकी थी और इससे ही देश की आजादी के आंदोलन में वैचारिक और सक्रिय रूप से जुड़ सके, इसके लिए चरित्रवान, शक्ति संपन्न, संस्कारी नागरिकों और युवकों की जरूरत थी। इस विचार से उन्होंने 18 अक्टूबर 1920 को गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। जो एक बनिया का पुत्र कर सकता है, तो विद्यापीठ की स्थापना करके मैंने यह ऋषि कार्य किया है, ऐसा कहने वाले गांधी विद्यापीठ से उस समय भी अपेक्षाएं की थी और आज भी है। इसे अनेक बार पूरा करके गुजरात विद्यापीठ आज 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इसके साथ ही एक नई मंजिल पर पहुंची है। 1963 में डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में विद्यापीठ की स्वीकृति हुई, जो बंधनों से मुक्ति दिलाए। इस ध्यान मंत्र को धारण करने वाली विद्यापीठ को महात्मा गांधी प्रथम कुलपति के रूप में मिले। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान से सम्मानित मोरारजी देसाई, रामलाल परीख, डॉक्टर सुशीला नैयर, डॉक्टर नवीन चंद्र बारोट, नवल भाई शाह, रविंद्र वर्मा और नारायण देसाई गुजरात विद्यापीठ के कुलपति बने। वर्तमान में इस दायित्व को इला बहन भट्ट निभा रही है। वर्तमान के कुल नायक डॉक्टर अनामिक शाह और कुल सचिव डॉक्टर भरत भाई जोशी तथा गुजरात विद्यापीठ मंडल के मानद निर्देशक डॉक्टर राजेंद्र खिमाणी के नेतृत्व में विद्यापीठ विविध केंद्रों के लिए वैविध्यपूर्ण क्षेत्रों में कार्य कर रही है। गुजरात विद्यापीठ अन्य यूनिवर्सिटियों से कई प्रकार से अलग और विशेष है। गांधी मूल्यों को शाब्दिक अर्थ में ही नहीं, बल्कि सच्चे व्यवहार में भी रखकर गुजरात विद्यापीठ पूरे विश्व के विश्वविद्यालय जगत में अग्रणी है। इसके अलावा जल संचय की बात हो या कचरे के रिसाइकल करने की बात हो, विद्यापीठ अग्रणी भूमिका निभा रही है। अहमदाबाद के महात्मा गांधी परिसर तमाम प्रशासनिक एवं शैक्षणिक प्रवृत्तियों का केंद्र है। इसके उपरांत शाहीबाग, कोचरब आश्रम, गोता, थलतेज और मेमनगर में शैक्षणिक एवं शिक्षण सहायक प्रवृत्तियां चल रही है। अहमदाबाद परिसर में यहाँ महादेव देसाई समाज सेवा संकुल, शिक्षण महाविद्यालय, हिंदी शिक्षक महाविद्यालय, आदिवासी शोध व तालीम केंद्र, जमनालाल बजाज अहिंसा शोध भवन, दफ्तर संरक्षण हॉल, आजीवन शिक्षण एवं विस्तरण विभाग, मध्यस्थ कार्यालय, कंप्यूटर केंद्र, हिंदी भवन, विद्यार्थी रोजगार और परामर्श एकम, ग्राम विज्ञान विस्तरण केंद्र, गुजरात कुमार विनय मंदिर, छात्रालय, खेलकूद संकुल, प्रोफेसर रामलाल परीख भारतीय भाषा संस्कृति संस्थान, स्नानागार, मोरारजी देसाई आरोग्य धाम, संग्रहालय, यूनिवर्सिटी साइंस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन केंद्र, ग्रंथालय, पुस्तक भंडार एवं सेवक निवास, एस्टेट विभाग आदि है। मध्य समाज सेवा संकुल अहमदाबाद में गुजराती, हिंदी, ग्राम्य अर्थशास्त्र, इतिहास और संस्कृति, समाज शास्त्र और समाज मानव शास्त्र, समाज कार्य, पत्रकारत्व और समूह प्रत्यायन, कंप्यूटर विज्ञान, गांधी दर्शन और शांति संशोधन, ग्रंथालय और माहिती विज्ञान आदि विषयों के अभ्यासक्रमों में गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरों से, अन्य राज्यों से और विदेश से छात्र पढ़ने आते हैं। योग विद्या, दृश्य श्राव्य निर्माण, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय में डिप्लोमा चलाए जाते हैं। शिक्षण महाविद्यालय से परीक्षित अनेक शिक्षक गुजरात के कोने कोने में गांधी के रास्ते पर चलते हुए शिक्षा का काम कर रहे हैं।
यहाँ बीएड, एमएड, एमफिल, पीएचडी तक के अभ्यासक्रम होते हैं। गुजरात विद्यापीठ के कृषि विज्ञान केंद्र विद्यापीठ की पहचान है। अन्य कृषि विज्ञान केंद्रों की तुलना से यह केंद्र सतत प्रयोगशील रहते हैं और इसके द्वारा किए गए शोध के परिणामों को कृषि जगत में गंभीरता से लिया जाता है। इन केंद्रों में खाद बनाने के प्रयोगों से लेकर फूल में से इत्र और तेल बनाने के प्रयोगों सहित सजीव खेती के अनेक प्रयोग किए जाते हैं। गुजरात विद्यापीठ के विविध परिसरों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा संपन्न कार्यों ने गुजरात और देश में ही शोध कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुजरात विद्यापीठ के सभी कामों में केंद्र स्थान में समाज को रखा जाता है। उच्च शिक्षण, विस्तरण कार्य और समूह जीवन को लेकर चलने वाली विद्यापीठ का कार्य गुजरात के 5 शहर अहमदाबाद, गांधीनगर, खेड़ा, आणंद और वलसाड में फैला हुआ है। गांधीनगर के 2 संकुलों में, जिसमें सादरा में महादेव देसाई ग्राम्य सेवा महाविद्यालय में हिंदी, गुजराती, इतिहास, समाजशास्त्र, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र विषय में स्नातक कक्षा तक का अध्यापन कार्य होता है। इसी परिसर में मध्य शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में व्यायाम शिक्षा बीए, एमए, एमफिल एवं पीएचडी तक के अभ्यासक्रम चलाए जाते हैं। शाहीधरा नाम से जाना माना साबरमती नदी के तट पर बना गांव यानी सादरा। नदी के तट पर बसे गुजरात विद्यापीठ के इस परिसर में पंचायती राज परीक्षण केंद्र, बायोगैस शोध केंद्र तथा सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान विभाग, माइक्रोबायोलॉजी विषय में बीएससी, एमएससी, एमफिल तक के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। रांधेजा परिसर ऐसा ही एक हरा भरा परिसर है। ग्राम्य व्यवस्थापन एवं व्यवसायी व्यवस्थापन विषयों में एमबीए की उपाधि दी जाती है। यहाँ जानकी देवी बजाज नैसर्गोपचार केंद्र एवं कृषि विज्ञान केंद्र भी है। खेड़ा के देथली केंद्र में ग्राम सेवा केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, आश्रमशाला, विनय मंदिर और गौशाला है। ग्राम सेवा केंद्र भलाड़ा में आश्रमशाला, कन्या छात्रालय और गौशाला है। बामण गांव में भी ग्राम सेवा केंद्र चलता है। बोचासण में कुमार विनय मंदिर, छात्रालय, प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज एवं गौशाला है। तो भारेल में विनय मंदिर और कन्या छात्रालय है। वलसाड का अम्बेटी केंद्र अनेक विध प्रवृत्तियों से व्यस्त रहता है। विनय मंदिर, आश्रमशाला, कन्या छात्रालय, कुमार छात्रालय, जन शिक्षण संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र की विविध प्रवृत्तियां गुजरात विद्यापीठ के अभिन्न अंग है। गुजरात विद्यापीठ आज 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इसके तमाम केंद्रों के सेवकों और विद्यार्थी समाज को राह दिखा सके और गांधी मार्ग से जीवन शैली कैसी हो वह प्रदर्शित कर सके, इसीलिए उसके पास ऊर्जा की कमी का सामना करने के लिए ऊर्जा प्रकल्प अंतर्गत कई साधन विकसित किए गए हैं। जल संचय और जल स्वावलंबन की दिशा में खंभाती कुओं के द्वारा गुजरात विद्यापीठ में भूगर्भ जल ऊपर आया है। यहाँ परिसर के कचरे को जलाया नहीं जाता, वायु प्रदूषण करना यहाँ सख्त मना है। कचरे का उपयोग प्राकृतिक खाद बनाने में होता है। वैकल्पिक खेती और छोटी से छोटी जगह का कृषि तथा बागबानी में कैसे उपयोग हो सके, इसके लिए परिसरों में मकानों की छत पर भी खेती हो रही है। गुजरात विद्यापीठ में विविध उद्योग और कताई बुनाई के मार्ग से स्वावलंबन के पाठ सिखाए जाते हैं। गांधी के सपनों का भारत तभी बनेगा जब देश के लोग गांधी द्वारा निर्देशित रास्ते पर चले, स्वतंत्रता तथा स्वावलंबन का अनुभव करे। ये सब तभी हो सकता है जब हर विश्वविद्यालय के पास ग्राम शिल्पी जैसी योजनाएं हो, जिसमें प्रशिक्षित व्यक्ति गांव में जाकर गांव का विकास करे। स्थावर विद्यापीठ 1920 में भले ही अहमदाबाद में स्थापित हुई हो, जंगम विद्यापीठ यानी हर एक विद्यार्थी गांधी विचार को प्रसारित करेगा और आनंद से गाएगा।
एक ज डाळना पंखी अमे सहु, एक ज डाळना पंखी, एक ज डाळना पंखी अमे सहु, एक ज डाळना पंखी। विहरिए कदी आभ मा ऊंचे उड़ी उड़ी कदी आविए नीचे, किल्लोल करता रहता उमंगी, एक ज डाळना पंखी, एक ज डाळना पंखी अमे सहु, एक ज डाळना पंखी।